फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे, वो भी घर पे, और बिल्कुल ही फूले फूले गोलगप्पे और क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पे, वो भी आटे और सूजी को मिक्स करके मैं वो बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, आप लोग भी उसको घर पे बना सकते हैं। जैसे गोलगप्पे आप लोग मार्केट से खाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे, और वैसे ही क्रिस्पी और मज़ेदार और चटपटे तीखे। सो इंतज़ार किस बात का है। और ये मैंने पानी लिया है एक गिलास, और ये आटा है, और ये लिया है मैंने थोड़ी सी सूजी, और मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी डालूंगी। अभी आटा डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और ये मैंने सूजी लिया है बारीक वाली, अभी ये भी डाल दूंगी। और थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दूंगी मैं। अब इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर उसके बाद हम इसका डो लगाएंगे पानी डाल के। इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, इसको थोड़ा हार्ड ही रखना है, थोड़ा टाइट सा रखना है इसका डो। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए, अभी ये थोड़ा गूंद गया है, तो मैं इसको गीले कपड़े के साथ ढक के रख दूंगी करीब आधे घंटे के लिए, और फिर हम बनाएंगे गोलगप्पे। क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी तेल नहीं डाला ये है, कपड़ा और निकाल दिया था। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसके अंदर। अभी मैंने ना इसका ऐसे थोड़ा सा डो लेके मैंने इसका थोड़ा सा पेड़ा बनाया है और इसको तेल लगाया है। अभी मैं इसको बेल दूंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इसका हम डो बनाएंगे वो थोड़ा टाइट सा ही बनाना है, नहीं तो जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे, यानी कि क्रिस्पी से नहीं बनेंगे, वो पूरी की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे अगर आप लोग जो इसका डो है उसको सॉफ्ट रखेंगे तो। देखिए इसको कुछ ऐसे हम बेलते रहेंगे छोटी की तरह। आप चाहें तो इसकी लोइयां बना करके भी छोटी छोटी जो है वो पानी पूरी बना सकते हैं, बट मैं तो ऐसे ही बना लूंगी। इसको भी मैं और बेलूंगी क्योंकि इसको ज्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो वो नीचे से परत जो है वो थोड़ी मोटी बनेगी और ऊपर से गोलगप्पा है वो ज्यादा ही पतला सा बन जाएगा, तो हमें दोनों की जो है वो सेम ही रखनी है। ये देखिए, और मैंने ना जो गोलगप्पे का साइज लिया है उसके लिए मैं इस बर्तन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं वो छोटा सा सांचा सा जो होता है, अगर आपके पास वो है तो आप उसके यूज़ से भी गोलगप्पे बना सकते हैं, बट मेरे पास ये था, या इसकी जगह पे आप कोई ढक्कन भी ले सकते हैं, बट मैं इसके साथ ही बना लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हम ऐसे ऐसे गोलगप्पे की शेप दे देंगे, हमें बिल्कुल राउंड मिलेगी, और जो ये साइड में दिख रहा है जो आटा बचेगा इसका वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसको हम दोबारा से इसका पेड़ा बना करके दोबारा से इसके गोलगप्पे बना लेंगे।
ये देखिए अभी गोलगप्पे बन चुके हैं, तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसको इतना पतला लेना है आपको, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और अभी मैंने तेल जो है वो गरम कर लिया है, मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी गोलगप्पे। पहले मैं आपको एक दो करके दिखा देती हूँ। ये देखिए गोलगप्पा फूल चुका है और ये क्रिस्पी भी बनेंगे। बस हम ऐसे ऐसे इसके अंदर डालते रहेंगे। आप चाहे तो साथ में भी डाल सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मैं इस तरह से ही डालूंगी। बस आप इस तरह से इसको हिलाते रहें और ये अपने आप फूलते जाएंगे। अगर आपका डो अच्छा होगा, यानी कि आपने अच्छे से गूंदा होगा इसको, तो वो ज़रूर फूलेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। बस आपको उसके अंदर पानी का ध्यान रखना है कि आप पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि जो डो है वो टाइट ही बने। आप इस तरह से घर पे गोलगप्पे बना सकते हैं और जितने चाहे उतने खा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने गोलगप्पे बनाए हैं, और मैंने इसके अंदर आप देख भी सकते हैं मैंने कोई मीठा सोडा नहीं डाला है इसको फुलाने के लिए, या मैंने कोई तेल वेल नहीं डाला है इसके अंदर। आप लोग देख ही सकते हैं मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगी। ये देखिए तो गोलगप्पे और एक ही शेप है इनकी। ये देखिए गोलगप्पे तैयार हैं, अभी मैं इनको निकाल लूँगी। ऐसे ही मैं सारे गोलगप्पे निकाल लूँगी। अभी तो ये थोड़े गर्म हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको फोड़ के दिखा भी सकती हूँ, काफ़ी गर्म है। और देखिए और यहाँ तैयार है हमारे क्रिस्पी से गोलगप्पे बनके। इसके साथ में मैंने बनाया था ये खट्टा मीठा गोलगप्पे के लिए पानी, ये भी मैंने घर पे ही बनाया खुद से। नेक्स्ट टाइम मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी।